एक दूजे के वास्ते तुझे हमारा कमरा। अरे सॉरी समझ, हो क्या ना, घर थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है। अरे नहीं, मम्मा पापा भी नहीं है ना घर पे, तो आई नो। चलो सही है, अब ना घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके चुपचाप आज का दिन निकाल लियो, है? अच्छा बंटी, खाने का क्या करेंगे यार, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अरे हम जाकर लेकर आते हैं ना। यहाँ सबसे पास में क्या मिलेगा? भेलपूरी। बिल्कुल, एकदम चटपटी वाली। ठीक है बंटी। हाँ हाँ भैया, याद है तुम्हारी ठंडे वाली ले आनी, हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू बोलना था यार। तो जो मेरे लिए हंसते हंसते कर देता है ना, कोई किसी के लिए नहीं करता होगा। थैंक्स यार। जिंदगी में इतनी बार थैंक यू बोलने से अच्छा ना, आज थैंक यू बोलने के बदले एक बार अपनी माता रानी से ना जी प्रे कर लियो कि तुम दोनों की तरह हमारी भी सेटिंग किसी सुंदर कन्या कुमारी से हो जाए। तथास्तु। मिया, अंकल जी। मैंने जो कहने को बोला था याद है ना? हाँ जी अंकल जी। शमन कहाँ है बंटी? वो तो अमेरिका के लिए निकल रहा था ना सुबह सुबह। बेवकूफ मत बना बंटी, मुझे मुझे पता है कि तुझे अच्छी तरह से पता है कि शमन और सुमन घर से भाग गए। क्या शमन सुमन के साथ? अरे अंकल जी आप क्या कह रही हो, कब कैसे कहाँ? अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, नाटक मत कर मेरे साथ। अरे विद्या कसम अंकल जी, हम सच कह रहे हैं कि आखिरी बार जब हमारी शमन मियां से बात हुई थी ना तो वो बड़ा दुखी था कि अंकल जी मान नहीं रहे और अमेरिका भेज कर ही छोड़ेंगे। और आज सुबह भी हमने उसको फोन इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि वो फ्लाइट में होगा। और तू, तेरा दोस्त जा रहा था आज, तू कहाँ रह गया? हम शहर में नहीं थे क्योंकि हमारी जो बुआ है ना उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन चल लिया था, इसलिए हम यहाँ आ गए। आपको तो आप चिंता मत करो, हम फौरन वहाँ आ जाते हैं। रहने दे, श्रवण का कुछ पता चले तो मुझे बताना, तू उसकी बेवकूफी में बेवकूफ मत बन जाना, समझ गया? नहीं नहीं अंकल जी, और वैसे भी जो भी हो श्रवण को यूं घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। वैसे अंकल जी, अवनी और आंटी जी कैसे है, मतलब दोनों ठीक है ना सब? अरे कहाँ ठीक है, तेरी ये कविता आंटी ने तो रो रो के हाल बेहाल कर रखा अपना। खैर तू छोड़, पता चले तो मुझे फोन करना, ओके? हाँ हाँ अंकल जी पक्का, हम यहाँ हुआ दोस्तों से भी पूछकर आपको बता देंगे। बस एक दो दिन की बात है श्रवण, हम उन्हें अपनी बात समझाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे घर। हाँ खैर जी, ये सब छोड़ो, अब ना नहा धो के फ्रेश होके एकदम रेडी हो जाओ, हम यूं गए और यूं खाना लेकर आए। लेकिन अभी भी बार बार कह रही है कि खिड़की और दरवाजा प्लीज बंद रखिए और कोई भी दरवाजा ठोके खोलियो मत, ठीक है? चलो। देख देवराज, तुझे तो पता ही है 24 घंटे से पहले मैं मिसिंग रिपोर्ट तो लिख नहीं सकता। पता है अंकित, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ ऑफिशियली तो नहीं है बट बच्चा अपना गायब हुआ है, मैं अनऑफिशियली अपने बंदे लगाता हूँ उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू अंकित, बचपने में बेवकूफी कर गए हैं बच्चे, बस किसी भी तरह से उन दोनों को घर वापस पहुँचा दो यार। क्या हुआ, घर की याद आ रही? बस सोच रही थी कि मम्मा अकेली पड़ गई होंगी, इतने दिनों बाद पापा भी घर पे नहीं है तो। वैसे ये क्या पढ़ रही हो तुम? अच्छा जी होरोस्कोप, मानती है सब? अब अंकल की बात आ ही गई यार, धोनी का पढ़ते हैं ना, उनका जोड़ी फैन क्या? 12th अक्टूबर बर्थ डेट है तो लिब्रा। तुला राशि वाले इस हफ्ते अपने बच्चों के मन की हर बात समझ के उन्हें कस के गले लगाने वाले। कुछ भी, ये थोड़ी ना लिखा है। तुला राशि वाले अपने सपनों को पूरा कर गर्व से अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेंगे। पर मुझे ना पूरा भरोसा है कि अंकल हमारी बात जरूर समझेंगे, तुम देखना। और ये सब जो है ना झूठ है, मैं नहीं मानता। वैसे तुम्हारा जोडियाक साइन क्या है? हेलो, अब भी तो बर्थडे है मेरा। राइट, तो तुम हुए कन्या राशि।
आज आप अपनी जिंदगी में किसी साहसिक कार्य को अंजाम देंगे। आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, पर आज कोई जरूरी काम अधूरा छूटने की उम्मीद है। बोला था ना मैंने, झूठ है सब, मैं नहीं मानता। सही तो लिखा है श्रवण, तुम्हें अपना बनाने का काम तो मैं कब का पूरा कर चुका हूं। अब इससे ज्यादा जरूरी कोई काम ही नहीं है जो बीच में अधूरा रह जाए। वैसे अब तुम्हारा भी बढ़ लो जर्मनी, देखें तुम्हारा भी कोई जरूरी काम छूटा है या नहीं। क्या हुआ, पढ़ो ना। अभी तो तुमने कहा कि तुम मानते नहीं हो। नहीं, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो तुम बताओ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसी इधर उधर की बात। पक्का कुछ खास? नहीं। हाँ। तो नहीं श्रवण, पढ़ो या तो वरना मैं। नहीं श्रवण। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, आनंद प्यार और खुशियों का अनुभव होगा। किसी खास से बड़ा उपहार मिलने की उम्मीद है। कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा जी, मेरी बारे में तो सब सही था, अब इसमें क्या गलत है? हा? अच्छा, कहां दिया तुमने मुझे कोई बड़ा सा उपहार? इतना बड़ा मैं मिल तो गया, अभी और कुछ भी चाहिए क्या? देने के लिए इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने चेहरे से ज्यादा तो मैंने हमेशा तुम्हारा चेहरा देखा, तो सोचा क्यों ना अपने हाथों से हमेशा के लिए इसका भी एहसास पहचान लूं। तुम क्या कर रही? बिना कहे हमने हमेशा सेम ही चीजें चाहिए श्रवण, इसलिए मैं अपने हाथों की लकीरों पे तुम्हारा चेहरा भर रही हूँ। भाभी, बाबूजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारी सुमन जल्दी वापस आ जाएगी। वो कैसे? 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन एसपी खन्ना मल्होत्रा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान का शुक्र। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए, जस्टिस लॉयर्स सब हम लोगों के साथ हैं, मल्होत्रा साहब के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। कनेक्शन नहीं, करप्शन कहो। वो समझता है कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, इसीलिए तो एसपी से दोस्ती की है ताकि उससे फायदा उठाया जा सके जो हो रहा है। बाबूजी, वो लोग भी तो हमारे काम आ रहे हैं ना, अब आप ये सब भूल जाइए ना, बस ये सोचिए कि जल्दी से जल्दी हमारी सुमन घर वापस आ जाए। ब्रेकिंग न्यूज, कॉलेज में चल रही मुठभेड़ में अब खबर आ रही है कि कई लोगों की जान भी जा रही है। प्रशासन हर कदम उठा रहा है, लेकिन अभी भी परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। मैं मेजर सिंह को फोन करता हूँ। हेलो, जय हिंद, क्या खबर है? बोले पापा, क्या रहा? अभी कुछ हालात ठीक नहीं है ज्यादा। हाँ बताओ, सैंडविच या बिस्किट? आई लव यू।
कोई मौका नहीं छोड़ देना तुम। एक भी नहीं। I love you. वैसे तुमने कितनी लड़कियों को बोला ये? आप सैंडविच खाते हैं ना? चलो। बात मत बदलो। बात थोड़े ना बदल रहा हूँ, तुमने तो पूछा क्या खाओगे तो वही तो बता रहा हूँ, बनाओ चलो। ओ हेलो, मैं ये सब यहाँ लेकर आई हूँ ताकि हम दोनों मिलकर बनाएं। दोनों? तुम्हें सैंडविच बनाना नहीं आता? वन सेकंड, तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? आता ना, मैं पानी उबाल सकता हूँ, मैं दूध गर्म कर सकता हूँ और मैं बताओ कितनी लड़कियों को बोला है आई लव यू? बताओ। वो सेवन क्लास में स्वाति को ऊपर बोलने के लिए बोला, मीन नहीं क्या बिल्कुल भी? और फिर एट क्लास में लक्ष्य को, बट प्रॉमिस उससे भी सिर्फ ऐवे ही बोला, मीन नहीं किया। और स्वाति को तो पता ही था कि मैं ये सब ऐसे बोलता रहता। हाँ लेकिन जो तुम्हें बोला बस वही रियल था और सिर्फ वही मीन किया। अरे सच? ये क्या हूँ? अब तुम भी बताओ कितने लड़कों को आई लव यू बोला आज तक? एक को, और सच में कहा। किसको बताओ? बोलो। तुम्हें बिल्कुल रियल वाला पूरे दिल से कहा और मीन भी किया। एक दूजे के वास्ते श्रवण, तुम्हारे पेट से आवाज आ रही है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने इतनी लड़कियों को? मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरे बाद किसी को नहीं कहोगे। प्रॉमिस जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा। इतनी देर कहाँ रह गया था? बेलपुरी कहाँ है? क्यों शान, तुम्हें और भूख लगी है क्या? क्या हुआ, कोई दिख गया क्या? अरे पास वाली दुकान में गई थी मैं और वहां पर न्यूज में देखा कि किसी कॉलेज में ना आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशन चल रही है वहां। और उस मिलिट्री ऑपरेशन में उसमें तुम्हारे पापा और उनकी टीम गई हुई है वहां। चलो टीवी में लगा के देखते हैं। मैं पापा है वहां। अब तक की खबर, लच्छुमल रामप्रसाद कॉलेज में 18 आतंकवादी छुपे हुए हैं। काफी देर से हो रही गोलीबारी के बाद वहां आर्मी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। रमेश तुम लेके जाओ, मुझे जरा कंटोनमेंट जाना है जरूरी काम से। अचानक चले गए, तभी समझ जाना चाहिए था कि पापा ऑपरेशन पे जा रहे हैं, मतलब वो यहाँ जा रहे थे। कुछ कहा था अंकल ने? पे चले गए और मैंने उन्हें हग तक नहीं किया। हर मिशन से पहले मैं उन्हें गले लगती हूँ, सल्यूट करती हूँ। इस बार तो मैंने उन्हें ठीक तरह से देखा तक नहीं। शावर तुम
चिंता मत करो, अगली बार सारी गजल पूरी कर देना, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मिया, फोन आना तुम्हारा, ऑन कर लो, अभी अभी ऑन कर लो, करो। क्या हो रहा है श्रवण? कुछ नहीं, घर वालों के मिस्ड कॉल्स और नोटिफिकेशन वगैरह, 76 मिस्ड कॉल और मैसेजेस हैं। अपने चाचू को तो बता यार, कहां पर हो तुम? सुमन के पापा नहीं रहे, जहां हो फौरन लौट आओ। कॉलेज में चल रहे ऑपरेशन में तो हम कामयाब रहे, लेकिन उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हमारे एक बहादुर ऑफिसर कर्नल विजय तिवारी शहीद हो गए। क्या बना रहे हैं? न्यू डिश है, टेस्ट करके बताना। गरम होगा ध्यान से। It's amazing. कैसा है मेरा कैडेट? सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगे। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, इट्स ओके।
चले जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज, कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अंकल अंकल प्लीज नहीं, बस थोड़ी देर सुमो के लिए, उसकी हालत उसे मेरी जरूरत है। एकदम चुप, निकलो यहाँ से, निकलो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.